जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं सबको इस ग्रुप की सफलता पर बहुत बहुत धन्यवाद, समूह की सफलता है। और कोई माध्यम होता है, हमको तो लगा कि उसी साल से 2010 के लगभग इस खगड़िया गांव पर अल्लाह की कृपा हो गई और इसके मेहनतों की बारिश अभी लगातार जारी है, आने वाले समय में जारी रहेगी। हम लोगों ने कुछ किया नहीं, हम लोग शुरुआत में अपने लिए ही कर रहे थे, हम समय रोजगार थे, कोशिश थी कि हम लोग कुछ करें और बहुत कम संसाधन में, आज यहाँ इतना बड़ा कमरा है, कुछ कमरे की हालत तो ये तुम्हें सर भी नहीं देखे होंगे, टीम का समझिए कि कमरा था डॉक्टर आगे क्या बोलते हैं लैब का, तो उसका घर और लैब का जो है बाथरूम की बगल में बुरी स्थिति थी, वो रहता था और सब कष्ट कहा जाता है, सब संघर्ष कहा जाता है। अब उस संघर्ष से निकला ये लोग, बहुत बड़ी सफलता मिली इन लोगों के लिए। हालांकि उसके बाद भी नेट निकाले सर प्रधान जी या साहब, आज नेट भी लोगों का निकला लेकिन उस दिशा में अभी ये लोग प्रयासरत नहीं है, आने वाले समय में है उसके लिए टाइम काफी समय है। तो ना सर ही हमारे कह रहे हैं तो पहले ही कहते हैं कि मैं अकेले ही निकला था मंदिरे जाने, लोग आते गए और कारवां वही सही हुई, जो दो तीन आदमी दस आदमी मिलकर कारवां मंदिरे जाने निकला था, आज हम मुरिया गांव से या आसपास के लोगों से टीम यही है, उस टीम से एक साथ 40 बच्चे का 40 स्टूडेंट जो है टीचर के लिए क्वालिफाई करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के लिए लगे कि हम लोग कुछ कर लिए हैं, लगे कुछ नहीं है, लेकिन आज ये पूरे ब्लॉक के लिए, पूरे जिला के लिए बहुत बड़ी बात है, इस पर ध्यान नहीं जा रहा मीडिया का, ये दूसरी बात है क्योंकि मीडिया भी आजकल क्या हो गई है सिर्फ आप लोग जनवे करते हैं 100-200 रुपये अखबार का मामला, हाँ लेकिन ये मीडिया के साथ साथ मैंने जिला प्रशासन के लिए डीएम जो है, किसी कोई बच्चा अगर यूपीएस या आईपीएस निकाल लेता है वहाँ डीएम जाते हैं उसे भेंट करने, या सब लोग जाता है, सब मीडिया छिपती है, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो होता है वो नहीं देखता है। अगर वो जमुनिया का स्टूडेंट था विजय के, लेकिन उनकी परिस्थितियां वो नहीं थी जो परिस्थितियां आप लोगों की है, तो उनसे ज्यादा मेहनत आप लोगों का, भले इसका कोई महत्व नहीं, कम संसाधन में विजय जी अगर किए या कोई इधर का आसपास का अगर चाहे योगेश कुमार जी किए, वो उन लोगों के लिए परिस्थितियां थी, उन लोगों का स्टैंडर्ड था कि वो लोग संघर्ष कर सकता था, संघर्ष अपने करने उन लोगों ने कब किया, लेकिन उस अनुपात में ये समूह की सफलता है, ये काम नहीं किया। उसके बाद योगेश कुमार जी अकेले अगर कुछ कर रहे हैं अपने गाँव के लिए तो अकेले कर रहे हैं या समाज के लिए, लेकिन यहाँ जो भी किया, जो भी एक टीचर अगर शाहबाजी अगर 10 टीचर बनाते हैं तो यह काम एक टीचर ही कर सकता है, कलेक्टर नहीं कर सकता। टीचर की एक खासियत है, वह मरने तक, या अगर वो राइटर बन गया, लेखक बन गया, तो मरने के बाद भी वह समाज को दिशा देता है, समाज को मार्गदर्शन देता है। तो यह प्रोफेशन जो है यह कलेक्टर भी बहुत बड़ा है, कलेक्टर साहब जो है टीचर से प्रणाम करवाने के लिए मतलब तरसते रह जाएंगे, और टीचर को तो उनको करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है, इसलिए इसको आप छोटी सफलता में मत गिनिएगा, बड़ी सफलता है, अपने आप अपने आत्मबल को आप मजबूत कीजिएगा कि हाँ हमने कुछ अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। और उस इसी कड़ी में मतलब कि हम हमारे अंदर यही बात थी कि हम खजुरिया जैसे गांव को ही, हमारे गाँव में सत्य यही है कि खजुरिया नहीं आसपास के जो भी समाज के तथाकथित निम्न जाति के लोग हैं, निम्न जाति कहना भी अब ठीक नहीं है, लेकिन दलित लोग हैं, वंचित समुदाय के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लास में, तो उन लोगों के लिए कंसेप्ट एक लाया गया, स्कूल का जो है पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं
कमाना है तो कमा ही रहा है, करना है तो उससे दुखी नहीं हो। आप लोग ये है कि आप लोग अपने काम पर डटे रहिए और साथ साथ वो स्कूल अपना स्कूल समझिए, जहाँ मेरा है उसका लाभ जो है आने वाले समय में आप अभी सोचिए कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको उसका लाभ बाद में अगर बढ़िया हो तो मिलना भी शुरू ऐसा, क्योंकि आप जब उसके मेंबर बन जाएंगे, आज आपको 10-12 टीचर की आवश्यकता होगी, आने वाले समय में उसका ग्रुप बढ़ता है, सेक्शन बढ़ता है, सारे लोग उसमें शामिल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। हम लोग DLA का सपना देखिए, DLA का संस्था हम लोग खोल देंगे, DLA यहाँ से आने वाले समय उस तरह की स्थिति में DLA आदमी खोल देगा, जगह है फॉर्म बनवाने की है, तो उस तरह का अगर आता है सेटअप पैसे आते हैं तो उस तरह का आदमी देगा। हम तो चाह रहे हैं कि कौशल मिश्रा ग्रुप को बनाने के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा प्रयास नहीं किया हमने, हम सब्जी खरीदने आते थे, लोगों को कहेंगे आप तो वही मोतिहारी, ये लोग मोतिहारी गया एक ही रूम में 4-5 आदमी रहते और कुछ लोग बाहर से जो भी तैयारी करने वाले लोग थे सब लोग अच्छे अच्छे पोस्ट पर आप भी कलाम सर एक्सपुर इतने बने ऑनलाइन हैं सरफराज से कलाम सर का जो भी हम लोग सब इंप्रूव कर यहाँ पर कलाम सर और सब लोग बहुत सारे में सबसे नेटवर्क थे हम लोग आलम सर टीचर बन के तब आप BPSA में फिर चले गए, अब बेतिया में ही है सहकारिता में। उनका फोन नंबर जी है तो मतलब कि बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, बहुत सिंपल प्रयास, अंदर की इच्छा शक्ति है कि होनी चाहिए काम जो है शुरुआत, अंदर की इच्छा शक्ति को लगाना है कि हमें बेहतर करना है, बहुत अच्छा करना है, दुनिया जाए भाड़ में कोई कुछ कहे, आप जो इस काम में लगे हुए हो वह काम बेहतर है, तभी तो आज रिजल्ट है। मैं बताया कि आपको उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा है, मतलब प्रशासन से मिलना चाहिए, यहाँ के ब्लॉक से मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट से मिलना चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ भी आदमी है वह आपकी एक साथ दो तीन सफलता से बहुत सारे निगेटिविटी को पाल देगा कि भाई हो गया वो हो गया, कोई ना कोई लगा दे कि उर्दू होगा उनका इसलिए निकल गया, इंग्लिश रहता तो नहीं निकलता इसलिए रिजल्ट होता है, उर्दू से होगा हिंदी से हो या अंग्रेजी से हो, वही ना उर्दू नहीं होगा बात बनाने वाली की बहुत बड़ी। तो मैं यही चाहूँगा 2 तारीख को हाई स्कूल का ओपनिंग कराना है, मनोज यादव आ रहे हैं और प्रोफेसर मदन यादव को भी करेंगे और भी शैक्षिक जगत से जुड़े हुए लोग रिटायर्ड टीचर हैं सर को भी हम इन्वाइट करेंगे उस समय, और लोग भी अपने गांव के भी आएंगे रहेंगे सब लोग रहेंगे, उनके बीच आप लोगों को हम प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, आप सब लोग वापस दिन आइएगा, अलग अलग सब सरकार के पास कार्ड भेजवा देंगे, सब लोगों के नाम पर कार्ड मिल जाएगा और सबको आना है, और स्कूल को भी आप जितना जिस तरह सहयोग करो उस तरह सहयोग करना है, सब लोग डील कर लिया अभी बाकी भी सब लोग।